नमस्कार श्रद्धेय मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो तक। मित्रों, आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन किस तरीके से आप अपने दाम्पत्य जीवन की वैमनस्यता को, कटुता को दूर कर सकते हैं, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। मित्रों, एस्ट्रो तक को लाइक करें, शेयर करें और दबा के सब्सक्राइब करें। मित्रों, मंगल जो कि स्त्री की पत्रिका के अंदर मांगल्य का कारक कहलाया जाता है, सौभाग्य का कारक कहलाता है। मंगल, मैं आपको बता दूं, मेष राशि के स्वामी होते हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मंगल जब जब पत्रिका के अंदर पीड़ित हो जाए, तो किसी भी महिला की पत्रिका में यदि मंगल पीड़ित हो जाए तो मान के चलिए उसके दाम्पत्य जीवन के अंदर कलह कलेश रहने लग जाता है। मंगल मकर राशि के अंदर उच्च के होते हैं और कर्क राशि के अंदर नीच का प्रभाव देते हैं। कालपुरुष का प्रथम भाव और अष्टम भाव और दशम भाव इनके लिए बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन कालपुरुष का अष्टम भाव के अंदर मंगल आ जाए तो ऐसा जो जातक होता है वो मांगलिक भी कहलाता है। लग्न में चतुर्थ में सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में राशि से, चंद्रमा से, लग्न से यदि मंगल आ जाए तो वो पत्रिका जो है मांगलिक हो जाती है। तो ऐसे में मंगल ग्रह की शुभता को कैसे प्राप्त किया जाए, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। कैसे मंगल देवता की आपको कृपा प्राप्त करनी है और किस छोटे छोटे उपायों से आपको जो है मंगलवार के दिन जो है दाम्पत्य जीवन की कलह कलेश को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना है। शुरुआत करते हैं मित्रों प्रथम उपाय से। एक चुटकी आपको जो है हनुमानी सिंदूर लेना है और उसके अंदर जो है आपको हल्का सा घी मिलाना है। बिल्कुल सही समझा मित्रों आपने, हनुमानी सिंदूर आपको एक चुटकी लेना है और उसके अंदर एक बूंद सिर्फ आपको घी मिलाना है। इन दोनों का आप मिश्रण तैयार करिएगा। माँ दुर्गा को जो है इसका तिलक करके देखिए, इस तिलक की जगह आप कुमकुम भी ले सकते हैं, तिलक करके देखिए, हर तरीके से आपको शुभता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन का जो कलह कलेश है हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और आपको बताता हूँ, यदि आपकी पत्रिका के अंदर मंगल पीड़ित है या विवाह आपका हो चुका है और दिक्कत आ रही है काफ़ी, तो आप जो है मंगल चंडिका स्त्रोत का पाठ करें, परिवार के कलह कलेश, दाम्पत्य जीवन की वैमनस्यता बिल्कुल दूर हो जाएगी मंगल चंडिका स्त्रोत के द्वारा। मित्रों, मंगल आपकी पत्रिका के अंदर पीड़ित है, यदि आपकी बहन है, बिटिया है, बहू है, यदि उनकी पत्रिका के अंदर मंगल पीड़ित है जिसके कारण से उनकी जिंदगी जो है मतलब बहुत परेशानी में आ गई है, हर तरीके से उनके जीवन में जो है कष्ट ही कष्ट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में मंगल के 108 नामों का आपको जाप करना चाहिए, हर तरीके से आपको शुभता मिल जाती है। मंगल के 108 नामों का जाप आप कैसे करें, दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख करें, लाल आसन पर बैठ जाएं, गाय के घी का एक दिया प्रज्वलित कर लें और मंगल देवता के 108 नामों को उच्च स्वर के अंदर आप जो है जाप आरंभ कर दीजिए। सारी मंगल देवता से संबंधित जितनी परेशानियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी। आपको एक तरीका और बता देता हूं कि कैसे आपको मंगल देवता की कृपा प्राप्त करनी है। मंगल देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए आप जितने भी आपकी उम्र से छोटे जो युवा पुरुष हैं, लड़के हैं जिनका शादी नहीं हुई है अभी, उनको कुछ ना कुछ आप दान कर दीजिए, मंगल देवता की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और आपको एक उपाय बताता हूं कि यदि आपका विवाह हो चुका है और मंगल के कारण जो है आपके विवाह के अंदर, मंगल के कारण जो है विवाह होने के बाद जो है आपके जीवन में कटुता आ गई है, वैमनस्यता आ गई है, तो आप चमेली के तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में प्रज्वलित करें, या सरसों या तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करें, या गाय के घी का दिया आपको प्रज्वलित करना, यानी कि घूम फिर के आपको हनुमान मंदिर पहुंचना ही पहुंचना है। कम से कम 7 लाल गुलाब के पुष्प आप लीजिएगा, ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हुए, ओम भोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के श्री चरणों में आप अर्पण कर दीजिए। बहुत सरल सा उपाय है, समय भी कम लगेगा, उपाय का जो प्रभाव होगा एकदम से विलक्षण होगा, करके देखिए, हर तरीके से आप आनंदित हो जाएंगे। तो मित्रों, आज हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से मंगल देवता की पूजा अर्चना करने से विवाह के कष्ट कलेश दूर हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन की कटुता जो है दूर हो जाती है। तो मित्रों, इन उपायों को आप अवश्य करिएगा, लाभान्वित आप अवश्य होंगे। मैं आचार्य सचिन शिरोमणि फिर आपकी सेवा में किसी नए विषय के साथ फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।